Dalits constitute just over 20% of the vote in Uttar Pradesh. Despite being the vote bank for different political parties, they still remain untouchable, exploited at the bottom rung of the ladder. They used to vote for the Congress, but realized over the decades that there was no real difference in their economic status. Kashiram burst on the scene and turned these ashes into dreams. Enthusiasm turned into excitement, and Dalits united to bring their own party into power. The downslide began faster than expected. The Bahujan Samaj Party under Mayawati steadily lost ground. Today, on the eve of the elections in UP, the Dalit vote is scattered, not sure who to be with, where to go. Some remain with Mayawati, others are drawn to the BJP with its bouquet of promises. Akhilesh Yadav is reaching out to them. The Congress remains a spent force. Chandrashekhar Azad is popular enough to have the BJP worried, but his influence is confined to pockets really. So, divided and unsure, will the Dalit emerge united in these elections? Or will division make for a fractured, too little to count vote? Well, hello everyone. We have with us Chandrashekhar Azad right from the field in the middle of the cycle yatra. As you know, he has started his own Azad Samaj Party and has agreed to give us 10 minutes between what is a cycle yatra. So, namaskar Chandrashekhar ji. So, aap ye cycle yatra kyun nikale mein hai? और कहाँ कहाँ आप इसमें इसको ले जा रहे हैं? देखिए, पूरे उत्तर प्रदेश में जाति तोड़ो, समाज जोड़ो, भाईचारा बनाओ, तो बहुजन साइकिल यात्रा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, उनकी नीतियों ने यहाँ भाईचारा तोड़ दिया। उस भाईचारे को बनाने के पूरे उत्तर प्रदेश में 1 जुलाई से लेकर 21 जुलाई तक हमारी साइकिल यात्रा रहेगी। अच्छा। और उत्तर प्रदेश में हम हर घर तक जाएंगे अपनी बात को बताने के लिए कि बीजेपी ने 4.5 साल में उत्तर प्रदेश को दिया क्या है नफरत के अलावा। कोरोना काल आया भारत में, कोरोना काल में जितनी परेशानी आम जनता ने उठाई, सरकार ने लॉकडाउन लगा दिया। चलिए, मैं समझता हूँ कि काफी हद तक ठीक था, लेकिन क्या लोगों के लिए रोटी की व्यवस्था करने की सरकार जिम्मेदारी नहीं थी जी। क्या अच्छे हॉस्पिटल नहीं बन सकते थे? तो ये जो तमाम तरह से ये सारी परेशानियां आई इस समय में, जहां सरकार को लोगों की मदद करनी चाहिए थी, वहां महंगाई बढ़ा के, पेट्रोल डीजल गैस के दाम बढ़ा के सरकार जो है लोगों की जेब काट रही है। जो अब आपका इलेक्शन आ रहा है, इसमें दलित वोट डेफिनेटली इम्पोर्टेंट वोट है अगर कंसोलिडेट जी, तो जी। के लिए एफर्ट ये रहा है कि सब इसको डिवाइड करते हैं, तो एक तरफ मायावती है, एक तरफ कांग्रेस है, फिर बीजेपी ने भी इन लोग किए हैं, अब अखिलेश यादव भी कह रहे हैं कि वो रीच आउट कर रहे हैं दलित को, और फिर आप जैसे लीडर्स भी हैं, तो किस तरीके से इसको समेटेंगे? ये समेट पाएगा कि अलग अलग ही जाएगा? नहीं, ये अलग अलग नहीं जाएगा। बेसिकली सबके लिए दलित वोटर, उनके लिए दलित इलेक्शन के समय उनको याद आता है। जो नौजवान, सरकार ने जो बेरोजगारी हमें इनाम में दी थी, उस बेरोजगारी को हमने अपनी ताकत बनाया, और जो नौजवान उत्तर प्रदेश में दलित समाज के, पिछड़े वर्ग के, माइनॉरिटी के जो नौजवान घूम रहे थे, उनको तैयार किया सत्ता की ताकत समझाने के लिए कि नौजवान थे, उनको जिला पंचायत सदस्य बनाया। और अब विधानसभा में इसकी तैयारी जारी है कि हमारे लोकतंत्र है, जनता के द्वारा, जनता की सरकार, तो यह अब हम प्रयास कर रहे हैं कि 85% बहुजन समाज के लोगों द्वारा उनकी सरकार बने। देखिए, जैसे यूपी में पहली आपकी पार्टी आई, दलित पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी आई, उसमें काशीराम आए, फिर मायावती के हाथ में गई, फिर मायावती के पास वोट था, फिर वो हल्के हल्के रिड्यूस होकर के अब जो कहते हैं कि खाली जाटव वोट पे आ गया है, वो उसमें भी कमी आ गई है। तो ये जो आप बात कर रहे हैं ना कि जो समझाना और कहलाना और उनसे कहना ये ऐसे करना है, ये वर्क नहीं कर पा रहा है ना बिल्कुल। पूरे देश ने वो देखा, इससे बुरा तो नहीं हो सकता कि जिस बेटी के साथ ये सब कुछ हुआ उसी को जो है उसी के चरित्र पे फिर उंगलियां उठने लगी मीडिया द्वारा, और सरकार न्याय देने के बजाय उनके परिवार को धमकाने लगी, उसकी लाश को जला दिया कचरे की तरह। सारी लड़ाइयां लड़ी, चाहे रविदास मंदिर आंदोलन हो, चाहे CNPR NRC आंदोलन, जब पूरे देश के मुसलमानों के साथ कोई नहीं खड़ा हो रहा था, उनको छूना भी नहीं चाहता था, तब भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के वर्कर वहां गए और उनसे कहा, नहीं आप अकेले नहीं हो, आप देश की ताकत हो, हम सब लोग आपके साथ खड़े हैं। एक जाटा बिरादरी बची है,
तो वो उनकी नीति की वजह से बचे हैं सीमा जी, उन्होंने अपनी नीति खराब की है। उन्होंने सर्जन के चक्कर में उस बहुजन को, जिन्होंने जिन्होंने उनको चार चार बार सत्ता सौंपी, उनको छोड़ दिया और फिर कहते देखो हम आपके जात धर्म के हमें वोट दे दो। हमने उस प्रक्रिया को बदला है और गरीब समाज से उन नौजवानों से नेता तैयार किए हैं, वो नेता जो लड़ते हैं जी। पर आपकी जो एक अपनी पहुंच है वो जरा लिमिटेड नहीं है वेस्टर्न यूपी में, अगर आप ये सब कार्य कर रहे हैं, आपका एक सैक्रिफाइस का इतिहास भी रहा है, आप किस तरीके से जो जेल गए हैं, आप किस तरीके से जो जो बातें अभी की हैं, तो क्यों ये है कि दलित आपको पूरे स्टेट यूपी के नहीं एक्सेप्ट कर रहा है? किसने कह दिया आपसे जी? मैंने पंचायत चुनाव लड़ा, कोई जिला ऐसा नहीं बचा जहां हमने जीता ना हो, और जहां जीते नहीं है सीमा जी, जी। वहां दूसरे पर रही या तीसरे नंबर पर है। आप पंचायत चुनाव का रिपोर्ट कर देख ले चुनाव आयोग की साइट पे। मैं तो बिहार जाके चुनाव लड़ा, आप तो यूपी की बात कर रहे हैं। मुझे वहां 8-8 हजार वोट मिले पहली बार, पार्टी का नाम लोग नहीं जानते थे। 15 मार्च 2020 पार्टी बनी और उसके बाद लॉकडाउन लग गया, उसके और उसके बाद आप समझे चुनाव चिन्ह बिल्कुल नया है। वहां लोगों ने 8-8 हजार वोट दिए, यहाँ तो हमने बड़े बड़ी पार्टियों को धूल चटा दी। ये राजनीतिक असलियत है कि ये भी एक तरह का र्यूमर है जो मीडिया का रहता है कि बीजेपी एक्चुअली इसने इनरोड्स किए हैं दलित वोट में, यूपी में खासकर, उसमें काम बहुत किया है और कई सबका दलित के बहुजन के उनके साथ आए हैं, सही है? देखिए मैं उनके बारे में कहूं तो वैसे मुझे अधिकार नहीं उनके बारे में कहने जी। वो दलित वोट के थ्रू हाँ वो छलते हैं, वो सपने दिखा के हमारे आदमी को पद पे बिठा के, जैसे किसका उनका, मैं बिल्कुल बताता हूँ। देखिए देखिए मैं बताता हूँ, 2014 में किसका है लोकसभा चुनाव के से, और 2017 में भी नुकसान हुआ है, बिल्कुल कहने में चोरी नहीं है। 2019 में कुछ कवर हुआ है क्योंकि सब लोगों ने प्रयास किया, एक नया दल होने के नाते की मेहनत करने की जरूरत है, मैं अपनी जिम्मेदारी अदा कर रहा हूँ। ये जो कोएलिशंस की बात आपने की थी, आपने पहले कहा था कि मायावती से हम साथ उनके हो सकते हैं, पर उनसे कोई रिस्पांस खास नहीं आया। हाल में आपने शायद अखिलेश यादव के लिए भी कहा है कि उनसे गठबंधन जो उन्होंने बनाया उसके साथ आप हो सकते हैं। फिर फार्मर्स भी हैं, खासकर वेस्टर्न यूपी में हैं फार्मर्स, तो ये किस तरीके से आप देख रहे हैं इसको पकते हुए इलेक्शन तक? देखिए बीजेपी ने जिला पंचायत अध्यक्ष के जो चुनाव जी उसमें सत्ता का दुरुपयोग किया, पुलिस और प्रशासन के लोगों से आम आदमी को परेशान कराया, जो जीते हुए लोग से उनको डरा धमका मुकदमे किए, तो यानी कि बेसिकली वो सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं। मेरी सोच ये है कि सब लोगों को मिलकर बीजेपी को रोकना चाहिए, उत्तर प्रदेश में लोकतंत्र की सुरक्षा करनी चाहिए, संविधान की सुरक्षा करनी चाहिए। मैं सबसे कह रहा हूँ कि गठबंधन बना लीजिए और मिलकर काम सब लोग कर लीजिए। अगर सब लोग इस बात पे बैठ जाएं कि नहीं हमें ही बनना है हमें ही बनना है, तो मैं उनसे कहता हूँ खूब बनिए, अंत में ऐसा ना हो कि आप विपक्षी भूमिका में भी न रहे। तो ये बताइए कि ये आप सोच रहे हैं, जब आप ये साइकिल यात्रा किए हैं और इतने दिन से काम कर रहे हैं, इसमें आपको एक्चुअली आप ऑप्टिमिस्टिक हैं कि दलित वोट एक जुट हो जाएगा कि इसमें काफी मुश्किलात आ रही है? मुश्किलात हैं जी, क्योंकि लोगों को समझाना पड़ता है। कहते अगर देखिए लोग समझदार होते तो सरकार चुनते ही ना। मैं समझता हूँ चुनौतियां तो बहुत हैं, लेकिन चुनौतियों का सामना करने के लिए हम लोग तैयार हैं, हम पे प्लान, हम लोग जा रहे हैं, हमने अपना मैनिफेस्टो निकाला, हम जनता को बता रहे हैं, हम ये भी बता रहे हैं कि ये जो इस ये धर्म है, इस धर्म से क्या रोटी मिल जाए। किसानों के साथ जो हुआ वो इसलिए हुआ कि किसान संसद में नहीं, मैंने किसान भाइयों से भी कहा किसान भाइयों इस बार किसान बन के वोट करनी है, धर्म पे वोट नहीं करनी है, वरना तो फिर सड़क पे यहाँ 7 महीने पड़े रहोगे, लाठियां खाते रहोगे, खालिस्तानी नक्सली कहलाते रहोगे। तो हमारा प्रयास है कि हम गांव गांव जाके जनता को तैयार करें और अगले 7-8 महीने में लगातार हर महीने हमारा ये प्रोग्राम रहेगा, कभी साइकिल यात्रा, आपके चैनल के माध्यम से पहली बार कह रहा हूँ, आपने ऑनेस्टली पूछा, फिर कभी पैदल यात्रा, कभी नुक्कड़ मीटिंग, कभी सांस्कृतिक प्रोग्राम, ये लगा कभी रथ यात्रा, ये चलता रहेगा जब तक चुनाव खत्म नहीं होता। जब तक चुनाव नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। The Dalit vote in Uttar Pradesh is clearly divided. The decline of the Bahujan Samaj Party has opened the doors for many of the old players and also some relatively new ones like Chandrasekhar Azad. Everybody is trying for a chunk of this vote bank, 20% segment of the population, which is a big vote by any standards. But however, interestingly, it still remains divided largely.
between the Bahujan Samaj Party and the Bharatiya Janata Party, which has made a decisive inroad into the support base. And Akhilesh Yadav is reaching out. The Congress is not really, does not really have an organization to be able to say that it is out. But having said all this, there is no indication from the ground as yet that the Dalit is even thinking of consolidating or uniting behind any one political party that is going for the elections in UP next year, early next year. So there's not much time left. It is very clear to this vote bank that its aspirations have been neglected and it remains exploited and backward over the years, regardless of which government comes in. At the same time, the goodness makes it very susceptible to promises, even today. So let's see which way the Dalits go and how and what is the impact at the end of the day on the forthcoming elections. Thank you so much.